दोस्तों, हमारी ज़मीन पर चींटियाँ लाखों सालों से ज़िंदा हैं। ये नन्ही मखलूक अपने बिल बनाने और चलाने में हैरतअंगेज साइंस का इस्तेमाल करती है। आइए देखते हैं कि चींटियाँ अपने बिल को कैसे एक हैरतअंगेज साइंसी निज़ाम के ज़रिए मुनज़्ज़म करती हैं। दोस्तों, चींटियों के बिल का ढांचा हैरतअंगेज इंजीनियरिंग का नमूना है। चींटियों का बिल तहदार होता है, जहाँ मुख्तलिफ हिस्से मुख्तलिफ मकासद के लिए बनाए जाते हैं। कुछ हिस्से अंडे रखने के लिए तो कुछ खुराक जखीरा करने के लिए और कुछ चींटियों के आराम करने के लिए मखसूस कर दिए जाते हैं। चींटियों के बिल में दर्ज हरारत को खास तौर पर कंट्रोल किया जाता है। बिल की गहराई और हवादारी का निज़ाम बिल के अंदरूनी हिस्से को ठंडा या गर्म रखता है, जिससे चींटियों के अंडे और बच्चे महफूज रहते हैं। चींटियां अपने बिल में हवा के दबाव को बहुत ही सोच समझ कर कंट्रोल करती हैं। बिल के अंदर खसूसी हवा के रास्ते बनाए जाते हैं, ताकि ताज़ा हवा अंदर दाखिल हो और ख़राब हवा बाहर निकल जाए। ये अमल किसी भी जदीद वेंटिलेशन सिस्टम की तरह काम करता है। दोस्तों, चींटियों के दरमियान मवासलाती निज़ाम भी काबिले ज़िक्र है। चींटियाँ कीमियाई सिग्नल का इस्तेमाल करती हैं, जिसे फेरोमोन्स कहते हैं। ये सिग्नल्स चींटियों को रास्ते दिखाने और खुराक की जगह का पता बताने और खतरात से खबरदार करने में मदद देते हैं। चींटियों के बिल में खुराक को महफूज रखने के लिए भी इंतज़ाम किया जाता है, जो कि बहुत ही खास होता है। चींटियाँ मुख्तलिफ हिस्सों में खुराक को अलग अलग करके महफूज रखती हैं, ताकि ये ज़्यादा देर तक ताज़ा रहे और किसी भी हंगामी सूरत हाल में इसे इस्तेमाल किया जा सके। दोस्तों, चींटियाँ अपने बिल की हिफाजत के लिए भी एक मजबूत निज़ाम रखती हैं। कुछ चींटियाँ बिल के दाखिली दरवाजे पर पहरा देती हैं, ताकि किसी भी आने वाले खतरे का बरवक्त मुकाबला किया जा सके। चींटियाँ अपने बिल के अंदर बहुत सी साइंसी तकनीकों का इस्तेमाल करती हैं। इनकी ये हैरत अंगेज हिकमत अमली इन्हें जिंदा रहने और अपनी नस्ल को फ़रोग देने में मदद देती है। चींटियों की दुनिया वाकई साइंस की एक हैरत अंगेज मिसाल और अल्लाह की कुदरत का एक हैरत अंगेज नमूना है। तो ये थे चींटियाँ और इनके बिल में इस्तेमाल होने वाली साइंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद दिलचस्प हकायक जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें।